वो इंसान जो किसी उज़र की वजह से, जैसे मज़कूर उज़र चाहे सफ़र का उज़र हो या मर्ज़ का उज़र हो, जिस उज़र को शरई उज़र हम कहते हैं, उज़र की वजह से अगर कोई शख्स रोज़ा नहीं रख सका और बाद में उसकी क़ज़ा उसने नहीं किया, बाद में उसकी क़ज़ा उसने नहीं किया और दुनिया से चला गया, वफात पा गया, तो उसके उन रोज़ों का क्या होगा? जैसे वो शख्स जो सेहत याबी की उम्मीद में है और मर गया और मुसाफिर भी नहीं रखा बाद में और दुनिया से चला गया, क्या होगा उसका, उसके रोज़े का क्या होगा? यानी 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ़्ता 10 दिन कुछ अय्याम उसके रोज़े के रह गए और रोज़ा नहीं रख सका बीमारी की वजह से या सफ़र की वजह से। बाद में उसका इरादा था रखूँगा इंशाल्लाह। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कब रोज़ा रखती थी? जो रमज़ान के छूट जाते थे वो पूरे साल तकरीबन गुजर जाते, जब शाबान का महीना आता रमज़ान से पहले तो उस महीने में अक्सर वो रोज़ा रखती थी, क़ज़ा करती थी। कहती थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मैं रोज़ा की क़ज़ा नहीं कर पाती थी साल भर, तो फिर मैं वो जा कर के शाबान में। इसका मतलब यह है कि रोज़ा जिसके ज़िम्मे है अगर वो शवाल में ठीक ठाक हो गया, हालत उसकी सही है और उसने शवाल में नहीं रखा, फिर ज़िलक़ादा आया उसमें भी नहीं रखा, उसमें भी ठीक है, ज़िलहिज्जा में भी नहीं रखा और गुज़रते गए यहाँ तक कि शाबान आ गया, इसका मतलब यह है कि आने वाले रमज़ान से पहले पहले उसे उसकी क़ज़ा कर लेनी चाहिए, ये उसका वक्त है, ये उसका वक्त है। लेकिन ये जो वक्त है जिसके क़ज़ा का बताया गया है, ये वक्त पूरा होने से पहले ही वो दुनिया से चला गया, यानी आने वाले रमज़ान से पहले ही दुनिया से चला गया, तो उसके छूटे हुए रोज़ों का क्या होगा? ऐसा लोग सोचते हैं ना कि भाई वो फलां आदमी का इंतकाल हो गया, उसके तो इतने रोज़े भी कर्ज़ थे और इस वजह से उसका छूटा हुआ था, अब उसका क्या होगा, ऐसा लोग पूछते हैं, क्या करेंगे उन रोज़ों का। इस ताल्लुक़ से एक ज़ाब्ता ज़हन में रखने की है, अगर वो ज़हन नशीन करते हैं तो मामला समझने में आसान रहेगा। रमज़ान का महीना ख़त्म होने के बाद, रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाने के बाद कितने दिन उसके रोज़े छूटे हुए हैं, उतने दिन उसे नहीं मिल सके जितना दिन उसका छूटा हुआ था रमज़ान का, उतने दिन उसे रमज़ान के बाद नहीं मिल सके और दुनिया से चला गया। मिसाल के तौर पर ईद के दिन किसी का इंतकाल हो गया, रमज़ान तो ख़त्म हो गया, ईद के दिन रोज़ा रख सकते नहीं सकते ना, तो उसे इतनी फुर्सत नहीं मिली कि वो रोज़ा की क़ज़ा कर सके, तो उसे क़ज़ा करने की ज़रूरत नहीं है। जो कर्ज़ उसके ज़िम्मे है वो कर्ज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर देगा, क्योंकि रब करीम ने कहा ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ये इंसान के बस में था ही नहीं कि उसकी वो क़ज़ा कर ले, तो जो बस में नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उसकी पकड़ ही नहीं है, उसका हुक्म ही यही है जो तुम्हारे बस में हो उसको कर लो और जो बस के ऊपर है वो फ़र्ज़ में नहीं है। इजाज़त की वजह से हमने रोज़ा छोड़ा, ढिठाई हमने नहीं किया, इजाज़त थी इसलिए हमने छोड़ दिया, अब उसकी क़ज़ा का जब मौका आया तो मौका ही नहीं मिला, वक्त ही नहीं मिला इतना, तो जब उसे वक्त ही नहीं मिला तो क़ज़ा कब करेगा? वो चीज़ माफ़ है। लेकिन अगर 4 दिन उसने रोज़ा छोड़ा था,
ईद के बाद गिन करके चार दिन वो जिंदा रहा और ठीक ठाक रहा, रोज़ा रख सकता था, पांचवें दिन उसका इंतकाल हुआ। ये फ़र्ज़ मैं मान रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है ऐसे ही हो, कि मान ले चार दिन उसका रोज़ा छूटा हुआ था और चार दिन वो ठीक ठाक रहा, एकदम नॉर्मल उसकी ज़िंदगी। लेकिन इजाज़त है शरीयत की तरफ से कि आप शव्वाल में रखो, उसके बाद के महीने में रखो, शाबान तक किसी भी महीने में रखो, कोई मसला नहीं है। तो भी सारे लोगों की तरह से कि चलो बाद में रख लेंगे, चार दिन उसने ऐसे ही गुजार दिए, पांचवें दिन मर गया, पांचवें दिन उसका इंतकाल हो गया, तो अब उसकी तरफ से कजा होनी चाहिए। साम अनहु वलीहु मम्मा तवालेह सियाम साम अनहु वलीहु। अगर कोई शख्स मर जाए और उसके ऊपर रोज़ा हो यानी फरीज़ा, वो अदा ना कर सका हो, तो उसके औलिया को चाहिए, करीबी लोगों को चाहिए, घर वालों को चाहिए कि वो उसकी तरफ से वो रोज़ा कज़ा कर दें। तो पहले जो मिसाल मैंने दिया, अगर वो कंडीशन है तो ये हदीस उसके ऊपर सादिक नहीं आएगी। सामान होली हो जो पहले मैंने मिसाल दिया कि उसको इतना मौका नहीं मिला, इतना वक्त उसको नहीं मिल सका कि वो उनकी कज़ा करता, चुनाचे उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके कज़ा की ज़रूरत हो। लेकिन अगर कंडीशन ये है कि उसे उतने दिन मिले दुनिया में सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, रोज़ा रखने की जो अहलियत है वो सारी चीज़ें उसके पास मौजूद थी, फिर भी वो उसकी कज़ा नहीं किया, ये कोताही है, ये तकसीर है, कोताही है, फ़राइज़ की अदायगी के रास्ते में ये कोताही है। जितना जल्द मुमकिन हो सके कर्ज़ अदा करनी चाहिए, जो कर्ज़ है उसका अदा करना फ़र्ज़ है। तो ये कर्ज़ था हमारे ज़िम्मे, अदा करना ज़रूरी था, लेकिन शरीयत ने हमें गुंजाइश दे रखी है कि आप इस बीच में कभी भी अदा कर लें, और अगर हम किसी वजह से नहीं अदा कर सके तो उसके अदा करने का एक और रास्ता शरीयत ने दिया हुआ है कि आपके औलिया आपकी तरफ से कर लें। क्योंकि आप वो नहीं है जिसको जानबूझ करके कहें कि गुनाह का रास्ता अपनाया हो, ढिठाई किया हो रोज़ा रखने में, बल्कि इस शख्स को जो वक्त मिला तो उतने अय्याम मिले जितने अय्याम की वो कज़ा कर सकता था, लेकिन वो सोच रहा है कि हमारे पास वक्त मुवस्सा है, लंबा वक्त है हमारे पास, हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें अदा करता वो दुनिया से चला गया। तो अब उसके औलिया को चाहिए कि ये जो कोताही उसकी ज़िंदगी में पाई गई है, इस कोताही की भरपाई वो कर लें। ये कोताही है, उस शख्स की तरफ से कोताही है, इस कोताही की भरपाई कौन करेगा? घर के औलिया, कोई भी कर सकते, उसके औलाद भी कर सकते हैं, उसके माँ बाप भी कर सकते हैं, भाई बहन भी कर सकते हैं, रिश्तेदार भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। अगर औरत है तो मर्द कर सकता है, मर्द है तो औरत कर सकते, कोई भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं।